सभी सनातन प्रेमी बंधुओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। भक्तों, आज मैं आपको KMI म्यूजिक बैंक के माध्यम से भारतवर्ष के महान संत संत रविदास जी के कुछ प्रमुख दोहे उनके अर्थ सहित सुनाने जा रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संत रविदास जी के ये दोहे अर्थ सहित सुनने पर आपको जीवन की सच्चाई का बोध होगा और उनकी वाणी से आपका चित्त निर्मल हो मानव कल्याण की ओर अग्रसर होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संत रविदास जी का जीवन परिचय। भक्तों, 14वीं शताब्दी जिसे मध्यकाल भी कहा जाता था, तब संत कुलभूषण रविदास जी का जन्म एक चमड़े के जूते बनाने वाले परिवार में हुआ। तथापि उन्होंने कभी भी अपनी जाति और व्यवसाय को तुच्छ एवं छोटा नहीं समझा। इसका उदाहरण उनके दोहों में भी मिलता है, जिसमें उन्होंने अत्यंत गौरवपूर्ण शब्दों में अपनी जाति और व्यवसाय का उल्लेख किया है। तो आइए सुनते हैं संत रविदास जी के कुछ प्रमुख दोहे उनके अर्थ सहित। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसे रहे रे दास प्रसन्न, रे भक्तों रहे रे दास प्रसन्न। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी उस सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं जहां छोटा बड़ा ऊंच नीच इन सब का कोई भेद न हो, सबको बराबर अन्न मिले, सभी मनुष्य समान हों एवं प्रसन्न रहें। जान ले हूँ रे मीत, पराधीनता पाप है, जान ले हूँ रे मीत, रे दास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत, रे भक्तों कौन करे है। संत कुलभूषण रविदास जी स्वाधीन रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन में किसी को भी किसी के भी अधीन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पराधीनता ही सबसे बड़ा पाप होता है। रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच, रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर डार है ओछे कर्म की कीच, रैदासा ओछे कर्म की कीच। संत रविदास जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से ऊंच या नीच नहीं होता, वरन मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म उसे ऊंचा अथवा नीचा बनाते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य की राह पर चलते हुए सत्कर्म करते रहना चाहिए। रहे हजार बरस मुल्ला चाहे अजान, देता रहे हजार बरस मुल्ला चाहे अजान, रे दास खुदा नहीं मिल सके जो लो मन शैतान, रे भक्तों जो लो।
पाखंड पर प्रहार करते हुए संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से मनुष्य जाति को यह सीख देते हैं कि चाहे मुल्ला 1000 वर्ष तक भी लगातार अपने खुदा को पुकारता रहे, यदि उसके मन में शैतान अर्थात मैल भरा हो तो उसे उसका खुदा, उसका ईष्ट, उसका आराध्य कभी प्राप्त नहीं होगा। रविदास हमरो राम जी दशरथ करे सुत नाई, रविदास हमरो राम जी दशरथ करे सुत नाई, राम हमहु मही रमि रयो बेसब कुटुंब माही रदासा, बेसब कुटुंब माही। संत शिरोमणि रविदास जी इस दोहे के माध्यम से लिखते हैं कि जिस राम को आप पूछते हो और जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, वो असल में हमारे राम नहीं हैं। हमारे राम जी तो वो हैं जो सबके हृदयों में समान रूप से वास करते हैं, जिनके लिए सारा विश्व एक है, जिसमें जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। रविदास मदिरा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए, रविदास मदिरा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़ नहीं उतराए, रे भक्तों जो चढ़ नहीं उतराए। मानव मात्र को भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए यह सीख देते हुए संत कुलभूषण रविदास जी लिखते हैं कि मनुष्य को वो मदिरा नहीं पीनी चाहिए जो रात को पीते ही चढ़ती है और सुबह उतर जाती है, वरन नाम रूप के उस महारस का पान करना चाहिए जो जीवन में एक बार पिया और चढ़ जाए तो फिर कभी नहीं उतरता। इसी महारस के पान के पश्चात प्राणी मात्र को सद्गति प्राप्त होती है। का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल आपना तौ मिला दिलदार, रैदासा तौ मिला दिलदार। संत रविदास जी यह संदेश देते हैं इधर उधर व्यर्थ में तीर्थ भ्रमण न करते हुए सच्चे हृदय से नाम का जाप करें, और यदि आपका हृदय शुद्ध है और आपकी भक्ति सच्ची तो आपका दिलदार यानी आपका ईष्ट, आपका आराध्य स्वयं के भीतर ही प्राप्त हो जाए। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुण ही, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुण ही, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, रे भक्तों होवे गुण प्रवीण। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि मनुष्य को उसके सद्गुणों को देखते हुए पूजनीय बनाना चाहिए। यदि मनुष्य ब्राह्मण है
और गुणविहीन है तो उसको कदापि पूजना नहीं चाहिए। आपितु यदि कोई कर्म से चांडाल है और गुण प्रवीण है तो सदा उसका पूजन करना चाहिए। धर्म हेत संग्राम महा जो कटाए सीस, धर्म हेत संग्राम महा जो कटाए सीस, सो जीवन तो सफल भया रैदास मिले जगदीश, रैदासा रैदास मिले जगदीश। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी यह संदेश देते हैं, अपने ईश को प्राप्त करना हो तो धर्म हेतु अपने प्राणों तक की बलि देने से भी डरना नहीं चाहिए। धर्म हेतु अपना बलिदान देने को भी तत्पर रहना चाहिए, ना कि केवल पूजा पाठ का आडंबर करते रहना चाहिए। दीन दुखी के हेतु जहु वारे अपने प्राण, दीन दुखी के हेतु जहु वारे अपने प्राण, रैदास नर सूर को साचा छतरी जान रे भक्तों, साचा छतरी जान। क्षत्रिय धर्म पर टिप्पणी करते हुए संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि सच्चा क्षत्रिय वो नहीं होता जो अपने अधिकारों हेतु युद्ध भूमि में युद्ध करता है, जबकि एक सच्चा क्षत्रिय वो है जो दीन दुखियों को उनका सही अधिकार दिलवाने हेतु अपने प्राणों तक को गवा देता है। रैन गवाही सोए कर दिवस गवाए खाए रे, रैन गवाही सोए कर दिवस गवाए खाए रे, हीरा यह तन पाए कर कौड़ी बदले जाए रे, कोड़ी बदले जाए। संत शिरोमणि रविदास जी इस दोहे के माध्यम से यह सीख देते हैं कि हे मनुष्य, तेरा ये जन्म हीरे के समान है, परंतु तू उसे दिन रात सोने और खाने पीने में व्यतीत कर व्यर्थ कर रहा है। यदि अपने जीवन को कौड़ी के मोल नहीं गंवाना तो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति कर, ताकि तेरा ये जन्म सफल हो ही आने वाले जन्म भी सुखी हो जाए। जात पात के फेर में उलझी रहे सब लोग, जात पात के इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि सामाजिक ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नामक रोगों ने संपूर्ण मानवता को डस लिया है। मनुष्य केवल इस जाल में उलझा हुआ है कि मैं ऊंची जात का हूं और तू नीची जात का। अतः यदि अपने ईश को प्राप्त करना है तो जाति पाति का भेदभाव मिटाना होगा।
रैदास जाति मत पूछई का जात का पात। रैदास जाति मत पूछई का जात का पात। ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र सबन की एक जात रैदासा, सबन की एक जात। जाति पाति की व्यवस्था पर प्रहार करते हुए संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से समाज को ये समझाते हैं कि मानव को मानव जाति के नाम से जाना जाना चाहिए, न कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के नाम से। ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था सब व्यर्थ है। हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी मनुष्यों को ईश्वर ने बनाया है। रविदास एक ही नूर से जिमी उपजियो संसार। रविदास एक ही नूर से जिमी उपजियो संसार। ऊंच नीच की विध भये ब्राह्मण और चमार। ब्राह्मण और चमार। संपूर्ण मानव जाति को चेताते हुए संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र, ये तो मानव ने स्वयं बनाए हैं, अन्यथा ईश्वर ने तो एक ही नूर से संपूर्ण मानव जाति का निर्माण किया है। अतः जब हम सभी एक ही नूर से जन्मे हैं तो क्या ब्राह्मण और क्या चमार, इन दोनों में भेद कैसा? कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, हम सब उस ईश्वर की संतान हैं। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन। रैदास पराधीन को सब ही समझे हीन। रैदासा सब ही समझे हीन। संत रविदास जी ने यह संदेश देने का प्रयत्न किया कि मनुष्य को कभी पराधीन नहीं रहना चाहिए, कि यदि पराधीन रहोगे तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता कभी प्राप्त नहीं होगी। दूसरों के अधीन रहने वाला मनुष्य पशु के समान होता है, जिसे सब छोटा और गुलाम समझते हैं। इसलिए मनुष्य को पराधीनता का त्याग कर स्वाधीन बन अपने ईष्ट की आराधना करनी चाहिए। जाति जाति में जाति है ज्यों केलन के पात। जाति जाति में जाति है ज्यों केलन के पात। रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। रे भक्तों जब तक जाति न जात। इसीलिए संत रविदास जी जाति प्रथा को जड़ से समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि जाति प्रथा के फेर में मनुष्य मनुष्य से प्रेम करना भूल चुका था। इसीलिए उनका मत था कि जाति प्रथा का समूल विनाश हो जाए, ताकि मानव जाति आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ रह सके। रैदास
हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीति हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीत रैदास पूजे उस राम को जिस निरंतर प्रीत रैदासा जिस निरंतर प्रीत। पूजा पाठ को आडंबर बताते हुए इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि इससे तो अच्छा अपने उस ईष्ट की आराधना करो जो निरंतर है, जो न पैदा होता है न मरता है। जो खुदा पश्चिम बसे पूरब बस तेरा, जो खुदा पश्चिम बसे पूरब बस तेरा, रैदास से वो जी ठाकुर को जिसका ठावना नाम रे भक्तों जिसका ठावना नाम। पारंपरिक पूजा पद्धति पर प्रहार करते हुए संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि अलग अलग मतानुसार खुदा पश्चिम में बसते हैं और हिंदुओं के आराध्य राम पूर्व दिशा में बसते हैं, परंतु सत्य तो ये है कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, जिसका कोई रूप कोई रंग कोई आकार और कोई गंध नहीं होती। मस्जिद सो कछु घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, मस्जिद सो कछु घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो महा अल्लाह राम नहीं, कह रविदास चमार रैदासा, कह रविदास चमार। संत रविदास जी ने अपनी जाति को कभी छुपाने का प्रयास नहीं किया, वरन उन्होंने तो बड़ी शान के साथ अपने नाम के साथ अपनी जाति लगाई कि न तो उन्हें मस्जिद से कोई घिन है और न ही मंदिर से कोई प्यार, क्योंकि दोनों ही जगह अल्लाह और ईश्वर का वास ही नहीं होता। इसीलिए उसी अल्लाह उसी ईश्वर को आराधिए जो आपके भीतर स्थित है। रविदास एक ही बूंद सो सब भयो विस्तार, रविदास एक ही बूंद सो सब भयो विस्तार, मूर्ख है जो करत है वरन अवरण विचार, वरण वरण विचार। संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति वीर की एक बूंद से जन्मी है, इसलिए हम सब एक हैं और एक समान हैं। सभी मनुष्यों को एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए, आपस में प्रेम करना चाहिए और अपने भीतर बसे अपने ईष्ट को आराधना चाहिए। जो बस राखे इंद्रियां सुख दुख समझी समान, जो बस राखे इंद्रियां सुख दुख समझी समान,
सो असरति पद पाई गो कह रविदास बलवान रदासा कह रविदास बलवान। संत रविदास जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखे तथा सबके प्रति संभाव रखते हुए जीवन में आने वाले सुख और दुखों को एक समान रूप से अपनाना चाहिए। ऐसा मनुष्य ही अपने आराध्य को प्राप्त कर मरणोपरांत सदगति प्राप्त करता है। अंतर्गति राचे नहीं बाहरी कथे उदास, अंतर्गति राचे बाहरी कथे उजास, ते नर नर कहीं जाएंगे सत भाषे रे दास रे भक्तों सत भाषे रे दास। संत रविदास जी कहते हैं दोगले चरित्र के लोग जिनके भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और, वो सदा मोह माया के जंजाल में फंसे रहते हैं और जन्म मरण के फेर से कभी मुक्त नहीं हो पाते। धन संचय सुख देत है, धन मति त्यागे सुख हो, धन संचय सुख देत है, धन मति त्यागे सुख हो, रविदास सिख गुरुदेव की धन मति जोरे कोई रदासा, धन मति जोरे कोई। संत रविदास जी कहते हैं कि अधिक धन संचय जीवन में सदा दुख देता है, अतः उतना धन संचय करना चाहिए जिसमें जीवन यापन आसानी से हो सके, क्योंकि आपका संचित धन अंत समय में आपके साथ नहीं जाएगा। आपके साथ तो केवल वो धन जाता है जो आपने आगे के लिए संजो रखा है, यानी नाम का धन। रविदास कंगन अरु कनक में जिम अंतर कछु नाही, रविदास कंगन अरु कनक में जिम अंतर कछु नाही, तो सो रही अंतर नहीं हिंदुअन तुर तन माही रे भक्तों हिंदु। संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सोने के कंगन और सोने में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य और मनुष्य में भी कोई भेद नहीं होता। चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, छोटा हो अथवा बड़ा, हिंदू हो अथवा मुसलमान, सबको एकता बनाए रखनी चाहिए, सदा प्रेम और सद्भाव के साथ रहना चाहिए। हरि सुहीरा छाड़ के करे और की आस, हरि सुहीरा छाड़ के करे और की आस, ते नर दोजख जाएंगे सत भाखे रविदास रे भक्तों सत भाखे रविदास। व्यर्थ के लालच में फंसे मनुष्यों को सदगति की सीख देते हुए इस दोहे के माध्यम से
संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं कि जो हीरे के समान हरि के नाम को छोड़कर इधर उधर की विषय वस्तुओं में खोए रहते हैं वो मनुष्य अंतकाल में नरक लोक को जाते हैं। अतः मोह माया को तजकर साचे हृदय से हरि नाम को अपनाइए। ये मनुष्य देह 84 लाख योनि भटकने के बाद प्राप्त होती है। इस मनुष्य देह का संपूर्ण फायदा उठाना चाहिए और सच्चे हृदय से अपने आराध्य का नाम जपते रहना चाहिए।